और अब एक बड़ी खबर कोलकाता से मिल रही है, जहां कोलकाता में एक बांग्ला एक्टर पर हमले का मामला सामने आया है। बीते रोज दक्षिण कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में बाइक सवार एक बदमाश ने बांग्ला एक्टर पर हमला कर दिया और इसी के बाद एक्टर ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर खुद पूरे मामले की जानकारी दी है। लाइव के दौरान एक्टर काफी डरी और सहमी हुई दिखाई दी। उन्होंने लाइव के दौरान बार बार ये कहा कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनकी गाड़ी का शीशा तक तोड़ दिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी एक्टर का वीडियो शेयर करते हुए ममता सरकार को घेर लिया है और पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक एक्टर के साथ वहां पर छेड़खानी की बहुत बड़ी खबर सामने आई है और इसकी जानकारी खुद एक्टर ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर दी है। मैं आपको ये फिर बता दूं कि इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने भी शेयर किया है और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को घेर लिया है और ये उस वक्त में हुआ है जब पहले ही कोलकाता के आर्जकर मेडिकल अस्पताल में जो डॉक्टर के साथ हुआ उससे पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है और अब पश्चिम बंगाल के कोलकाता से ही एक और ऐसी खबर सामने आना राज्य सरकार पर सीधे सीधे सवाल उठाती हुई। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, जो वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं ये बांग्ला एक्टर ने खुद शेयर किया है, जिसमें बहुत डरी सहमी दिखाई दी और बार बार ये कहा कि उनके साथ छेड़खानी की गई है। I was driving, আমাকে এসে নক করে, আমি একটু কাঁচ নামাই এবং আমাকে বলে যে আমাকে বলে দরজা খুলতে সাদন এভিনিউতে, ওকে আমি বলি যে দরজা আমি খুলবো না, আমি অবভিয়াসলি আমার একটা মহিলা হিসেবে আমার একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে, আমাকে হি ক্যান মলেস্ট মি। তারপরে সাদান এভিনিউতে, ইউ সি সাদান এভিনিউতে এসে ঘুষি মেরে আমার কাঁচ, গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয় এবং আমি এখান থেকে উঠতে পাচ্ছি না। পুলিশ এসেছে, পুলিশরা আমাকে এখান থেকে রেস্কিউ করবে বিকজ আমার পুরো সব জায়গায় কাঁচে কাঁচ হয়ে রয়েছে। আমি এখান থেকে বেরোতে আমার কলকাতা শহরে এটা মেডিকেল ড্রাইভিং আমাকে এসে নক করে, আমি একটু কাঁচ নামাই এবং আমাকে বলে যে আমাকে বলে দরজা খুলতে সাদান এভিনিউতে, ওকে আমি বলি যে দরজা আমি খুলবো না, আমি অবভিয়াসলি আমার একটা মহিলা হিসেবে আমার একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে, আমাকে হি ক্যান মলেস্ট মি। তারপরে সাদান এভিনিউতে, ইউ সি সাদান এভিনিউতে এসে ঘুষি মেরে আমার কাঁচ, গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয় এবং আমি এখান থেকে উঠতে পাচ্ছি না। পুলিশ এসেছে, পুলিশরা আমাকে এখান থেকে রেস্কিউ করবে বিকজ আমার পুরো সব জায়গায় কাঁচে কাঁচ হয়ে রয়েছে। और कोलकाता में एक्टर पर हमले के मामले में बीजेपी ने भी ममता सरकार पर हल्ला बोल दिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और एक बार फिर से राज्य सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ममता सरकार पर यह हल्ला बोल है। बीजेपी का बांग्ला एक्टर से छेड़छाड़ मामले में यह हमला एक बार फिर से दिखाई दिया है। बीजेपी ने कोलकाता को महिलाओं के लिए एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर ही सवाल उठा दिए हैं और खासतौर पर पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर हमलावर दिखाई दे रही है। और क्या ट्वीट किया है बीजेपी की तरफ से, कैसे एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा गया है। बांग्ला एक्टर कोलकाता के दक्षिण एवेन्यू में एक बाइक सवार हमलावर के दुर्व्यवहार और हमला किए जाने के दौरान अपनी जान के डर से लाइव हो रही है। हैरानी की बात यह है कि राज्य की गृह मंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता को महिलाओं के लिए एक डरावना सपना बना दिया है और उनके सलाहकार महिलाओं को रात की ड्यूटी से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। और कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना को लेकर पूरे देश में इस वक्त आक्रोश है। इस बीच जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की एक महिला रेजिडेंट ने पुरुष रेजिडेंट पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल लेडी डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि उसके साथ भी रेप और हत्या जैसी वारदात हो सकती है। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी है और अपने स्तर पर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। जांच के लिए कमेटी का बकायदा गठन कर दिया गया है और इस कमेटी ने अपनी जांच के बाद पुरुष रेजिडेंट पर लगाए गए आरोपों को सही मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। इसी के बाद कॉलेज प्रशासन ने रेजिडेंट डॉक्टर दिनेश गुलिया को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि अभी तक पीड़ित रेजिडेंट ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है और दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बताया कि महिला रेजिडेंट को पूरी तरह से सुरक्षित माहौल दिया जा रहा है।
उसको सस्पेंड कर दिया। अब जहाँ तक पुलिस प्रशासन का बात है, पुलिस अपने हिसाब से कार्य करेगा। वो जो डॉक्टर हैं वो पुलिस कार्रवाई कितनी चाहती है और किस हिसाब से होगी, हम इस बात के लिए हम लोग बिल्कुल मतलब पूरी तरह से हमारी कोशिश रहेगी कि वो महिला रेजिडेंट परेशान ना हो, उनको वर्क एटमॉस्फेयर सेफ और साउंड सेफ मिले, उनको किसी तरह से कोई परेशान ना करें, ये बात हमने सुनिश्चित कर दी है। अब वो उस पर लड़के पे कार्रवाई कर दी है, उस कार्रवाई का जो मैग्नीट्यूड है वो डिसिप्लिनरी कमेटी तय करेगी, बट अभी आते ही रिपोर्ट्स को तुरंत सस्पेंड कर दिया।